सीरियल बन्नी चाहो होम डिलीवरी में आगे बताया जाएगा कि बन्नी को होता है युवान के साथ प्यार का एहसास। जी हाँ, अपकमिंग ट्रैक में बताया जाएगा कि दादोसा बन्नी से झूठ कहते हैं कि उन्होंने युवान के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है जो कि युवान की रक्षा भी करेगी। इसके बाद मानी ने युवान को जबरदस्ती कोर्ट लेकर चली जाती है उस लड़की से शादी कराने के लिए, लेकिन बन्नी उसे बीच में से ही भगा ले जाती है और बन्नी युवान को मंदिर ले जाती है। वहाँ के पंडित जी जो कि उस लड़की के पापा होते हैं उनकी बन्नी ने किसी दिन मदद की होती है, तो वो इस बार बन्नी की मदद करते हैं। इसके बाद युवान और बन्नी आपस में एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। बन्नी युवान से कहते हुए नजर आएगी कि उसे ऐसा हम सफर चाहिए जो कि उसे उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार करे, साथ ही उसका ऑफिस भी संभाल सके। इसके बाद युवान भगवान को प्रार्थना करते हुए नजर आएगा। इसके बाद युवान बन्नी को ये एहसास दिलाएगा कि वो युवान ही है जो उसका ध्यान रख सकता है, उसे सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बन्नी का हम सफर उसकी तरह से पागल नहीं होना चाहिए। जिसके बाद बन्नी बहुत ही ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाती है और वो अब युवान की पत्नी बन चुकी है, जैसा कि दादोसा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। इसके बाद बन्नी को ये एहसास होता है कि युवान भले ही पागल हो लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है, और उसे ये भी शक होता है कि दवाइयों के कारण युवान का ऐसा हाल है। जिसके बाद बन्नी युवान को लेकर राठौर मेंशन जाएगी जहाँ पर दादोसा उनका गृह प्रवेश करेंगे। इसके बाद दादोसा का सपना जल्दी पूरा होते हुए नजर आने वाला है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट पर जरूर बताइए, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।